हाय फ्रेंड्स, मैं ये प्लांट जो है वो नर्सरी से लेके आ गई हूँ और आप भी इसी तरीके के प्लांट्स अपने घरों में लाते होंगे और थोड़े दिनों के बाद वो मर जाते होंगे। उसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन ये है कि जब भी हम लोग कोई प्लांट लेके आते हैं नर्सरी से तो उसको आप हमेशा पहले 3 से 5 मिनट के लिए आप उसको पानी में डाल करके रख दीजिए। पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें कुछ बबल्स आ रहे हैं। वो बबल्स आने का एक रीजन होता है, वो रीजन ये है कि कहीं ना कहीं उसमें जो है वो एयर होल्स बने होंगे। तो जब आपके एयर होल्स बंद हो जाएंगे और आप अपने प्लांट को रिपॉट करेंगे तो 95% चांसेस है कि आपका प्लांट नहीं मरेगा। हर एक प्लांट के लिए एक अलग तरीके की सॉइल होती है जिसका मैं वीडियो नेक्स्ट पोस्ट में बना करके दिखाऊंगी और आप सीख सकते हैं कि आपको हर एक प्लांट के लिए किस किस तरीके की सॉइल की जरूरत होती है। और खास तौर से क्योंकि मैं ये अम्ब्रेला पाम लेके आई हूँ, इसी की सॉइल प्रिपरेशन आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप अम्ब्रेला पाम अपना रिपॉट कर सकते हैं और आपको उसमें किस किस सॉइल और किस किस फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। थैंक यू।